अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जहीर फ्रॉम फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख रहे हैं टिकनी सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अजरबैजान का वीज़ा 3 घंटों में कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वेबसाइट पर आके आपने जस्ट इसको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि सिंगल एंट्री वीज़ा है और एक ये है अर्जेंट ई वीज़ा। तो हम इसको अर्जेंट ई वीजा में आएंगे क्योंकि हमें 3 घंटे के अंदर वीजा चाहिए। यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी क्लिक करेंगे जो कि आपके पास नेशनैलिटी है, और यहाँ पे आप पासपोर्ट करेंगे कि जो आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट है या डिप्लोमेटिक है। तो नॉर्मली तो ऑर्डिनरी ही होता है, यहाँ पे मैं ऑर्डिनरी कर देता हूँ। और यहाँ पे आप कैप्चर दे देंगे जो भी आपका कैप्चर होगा, GWTDCE। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद उसने आपको बता दिया है कि अगर आपको अर्जेंट करना है तो ये आपको 27 से लेके आपका 27 को आज ही वीजा जो है जनरेट हो जाएगा। आज से आपकी ये तारीख शुरू होगी और 25 फरवरी तक आपने इसको ट्रेवल करना है। ये $30 प्लस $20 आपकी फीस होगी, टोटल $50। अगर आपको नॉर्मल करना है तो ये 3 डेज के अंदर आता है, तो 3 डेज की जो फीस है वो 20 + 3 मीन्स के $23 है। तो हमें अर्जेंट चाहिए तो हम अर्जेंट पे ही क्लिक करेंगे, और यहाँ से फिर आप सबसे पहले आप अपना पर्पस बताएंगे कि आप किस वीजे पर, कौन से वीजे पर जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टूरिज्म करूंगा, नीचे से अर्जेंट ही लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी ये सिलेक्टेड डेट है क्योंकि ये अर्जेंट है, तो अर्जेंट का मतलब है कि चाहिए। तो यहाँ पे इसको आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशन आ गया, आपने आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट कर देना है। आपके पास ये दो नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिस हैं, आपने इन दोनों को खोल के देख लेना है कि इन्होंने क्या बोला है। और इसमें पहले इसने बताया है, आपको एग्जांपल दी है कि आपने पासपोर्ट डिटेल इस तरह डालनी है जो कि सर नेम, गिवन नेम, फादर नेम, जिस जिस तरह आपके पास सामने शो होती है। तो अगर आपको ये इसकी समझ आ गई है, या फिर मैं आपको वीडियो में भी सारा समझा दूंगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और दूसरा उसने आपको बताया है कि ये पासपोर्ट डिटेल में आपने ये ब्लर नहीं करना, इस पे क्रॉस है, और आपका पासपोर्ट की कॉपी ऐसे भी स्कैन नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह की ये है, इसको भी इसमें क्रॉस हो गया, मतलब साइड पर वाइट है। आपकी कॉपी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपका बार कोड, नेम वगैरह क्लियर आए, वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ कैसे। इसको भी बंद करता हूँ और इसको मैंने रीड कर लिया है। यहाँ पे मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे पैसेंजर का सर नेम डालूंगा। आपने अपना यहाँ पे सर नेम डाल देना है, यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम और गिवन नेम जो होता है, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे आप अपना ईयर डाल देंगे, और यहाँ पे आप कंट्री ऑफ बर्थ करेंगे, यहाँ पे आप प्लेस ऑफ बर्थ करेंगे जहां की आपकी पैदाइश है, आपके पासपोर्ट पर भी लिखा होता है। यहाँ पे आप अपना जेंडर देंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। यहाँ पे आप अपना देंगे जो कि आपका प्रोफेशन है, अगर आपका इसमें प्रोफेशन है तो ठीक, नहीं है तो यहाँ पे आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर देंगे, यहाँ पे आप जो है एड्रेस देंगे, आपका परमानेंट जो एड्रेस होगा, जो आपके पासपोर्ट पर भी वैसे नॉर्मली लिखा होता है, जो इंडियन पासपोर्ट वगैरह होते हैं वैसे, जो आपका घर का एड्रेस है यहाँ पे आप वो दे देंगे। यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस देंगे जो कि आपको वेरिफिकेशन भी सारी होगी, और वीजा भी इसी ईमेल एड्रेस पर आएगा। और यहाँ पे आप पासपोर्ट का नंबर देंगे, यहाँ पे आप पासपोर्ट की इश्यू डेट देंगे, नंबर 21, यहाँ पे आपको होटल का एड्रेस देना है जो कि आपके पास जरूरी होना चाहिए, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। ये आप देख सकते हैं कि आगे उन्होंने बताया कि रिजेक्शन की ये भी वजह हो सकती है कि आप होटल या घर या किसी जगह का एड्रेस नहीं देंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक बुकिंग बना के रखी हुई है होटल की, इस बंदे की, तो ये होटल बुकिंग है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे के सारे एड्रेस को,
और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसने ब्राउज पे क्लिक कर दिया है कि आप जो इसको आप इसके अंदर पासपोर्ट की कॉपी लगाएं, तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने पासपोर्ट की कॉपी अटैच कर देनी है। ये मेरे पास पासपोर्ट की कॉपी है पैसेंजर की, इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे उसने लिखा है कि ऑलरेडी आप यहाँ पर जा चुके हैं, तो आप इसको नो ही करें। तो कंप्लीट एप्लीकेशन, यहाँ पे उसने आपको वेरिफिकेशन के लिए बता दिया कि आप अपनी सारी चीज़ें दोबारा से चेक कर लें। तो मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से ये वेरीफाई है। तो आपने अपना सारा वेरीफाई करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको ये योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो आप अपनी ईमेल पर जाएंगे। ये ईमेल उन्होंने कर दी होगी वेरिफिकेशन के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये ई वीजा अजरबैजान की ईमेल आई है, तो आपने इस पे जस्ट क्लिक करना है। और यहाँ पे इसने ये बताया है कि ये आपका ये डिटेल है और ये एप्लीकेशन रेफरेंस रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो क्या ये आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद उसने ये बता दिया है कि डेटा हैज बीन वैलिड, ठीक है, ये आप बता दिया है कि ये ईमेल से सक्सेसफुल हुआ है। अगर आपके पास अजरबैजान का कार्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप अदर कंट्री पाकिस्तान या इंडिया या फिर किसी और मुल्क से ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसने आपको बताया कि टोटल अमाउंट आपकी बन जाएगी $51 बन जाएगी, जो कि आप अपनी करेंसी के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना कार्ड का नंबर देना है। नीचे आप कार्ड की एक्सपायरी डालेंगे, नीचे आप डाल देंगे सीवीसी कोड जो आपके कार्ड के पीछे होगा। यहाँ पे आप वीजा की टाइप डालेंगे, वीजा है, मास्टर है या जो भी है, यहाँ पे आप इसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद आपका बैंक का आपका ओटीपी आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर पे भेजेगा, तो यहाँ पे 4 डिजिट का आपने वो ओटीपी डाल देना है, जो कि मेरे पास भी आ चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट कट चुकी है, उन्होंने ये आपको बता दिया। यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, या आप इसको सेव भी कर सकते हैं प्रिंट करके। और आप अपनी ईमेल एड्रेस चेक करेंगे तो यहाँ पे भी उसने बता दिया होगा, ये आपको वेरिफिकेशन किया गया कि आपकी पेमेंट कट गई है और आपका वीजा सबमिट हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 18:43 और 27 डेट है 11/2019। अभी देखते हैं कि वीजा कितनी देर में आता है, तो दोबारा आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वीजा आ चुका है। इसको भी आप मीन्स के इसको आप नेक्स्ट करना चाहें तो नेक्स्ट कर देते हैं, नहीं भी करेंगे तो वो आपका वीजा सबमिट हो चुका है। योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल, मोड ऑन योर विल बी इन्फॉर्म यू 3 आवर। ये देख सकते हैं कि उन्होंने आपसे 3 घंटे मांग लिए हैं, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको वीजा मिल जाएगा इंशाल्लाह। अभी मेल आती है तो मैं फिर वो वाली भी वीडियो अटैच करके तो फिर ये वाली वीडियो अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीजा अप्लाई करना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट में अगर आपको ये हेल्पफुल साबित हो तो नीचे कमेंट भी जरूर करें। वेलकम बैक फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको 3 घंटे के बाद या जिस टाइम भी वीजा आ गया तो मैं आपको उस टाइम बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये वीजा अप्लाई हुआ था 6:43 पर, तो वीजा ये आ चुका है 9:46, मतलब 3 घंटा 3 मिनट में ये वीजा आया है। लेकिन ये आज लेट हो गया, पता नहीं कैसे, नहीं तो ये 2 घंटे के अंदर वीजा दे देते हैं। तो इसमें मैं खोल के देखता हूँ कि आपको बताता हूँ कि अगर आपने वीजा प्रिंट कैसे करना है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड का क्लिक किया है। यू कैन असेस योर ई वीजा क्लिकिंग बटन बिलो, ये वाला डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये आ गया है फरहान, ये मॉडिफाई का बटन भी है। अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आपके $5 लगेंगे, तो आप ये अगर पासपोर्ट डिटेल्स गलत हैं तो आप वो सही कर सकते हैं $5 दे के। तो आपने वीजे को डाउनलोड करना है तो इसको डाउनलोड पर क्लिक करता हूं मैं।
डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वीजा जनरेट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये आज ही कि मैंने ये डाला था 27 और आज ही ये वीजा निकल आया है, 30 दिन का वीजा है और डिटेल सारी ये मेंशन है आपके सामने। इसकी एक वजह है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, इस वीडियो की लास्ट में भी मैं वीडियो डाल दूंगा, ये वाली वीडियो है वो, ये वाली, ये मैंने आज थोड़ी देर पहले अपलोड कर दी थी क्योंकि मैंने 3 दिन वाला ये वीजा किया था जिसकी जो फीस थी वो फीस थी $23। तो ये मैंने अपलोड किए लेकिन भाई ने मुझे बोला आपने 5 दिन डाल दिए, मुझे कल ही जाना है सुबह में। तो अभी ये वाला दोबारा वीजा अप्लाई करने का मकसद यही था। तो अगर आपको वो $23 में करना है जो कि पाकिस्तानी 3600 और इंडियन रुपीज में तकरीबन 1500-1600 बनता है तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आपने ऊपर से उसको हटा देना है। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।